फ्रेंड्स, सऊदी के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक लेटेस्ट ट्वीट किया गया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि सऊदी में कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्या ताज़ा हालात हैं और लोग किस तरीके से कोरोना वायरस की वैक्सीन को लगवा रहे हैं। हम अभी आगे इस वीडियो में इसकी पूरी रिपोर्ट जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब में जैसे ही सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई, उसके तुरंत बाद सऊदी में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी में या फिर दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में कई तरह के सवाल हैं कि क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है और इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये वैक्सीन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे कई तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर, जिस कारण से लोग वैक्सीन को नहीं लगवा रहे और ऐसा सऊदी में भी देखा गया। आपको बता दें कि सऊदी में 3 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन को लगवाने वाले लोगों की संख्या कुछ लाखों में ही आ रही थी, जो कि उम्मीद से बहुत ही कम थी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने भी इस वैक्सीन को अपने ऊपर लगवाया और आपको बता दें कि उनके इस वैक्सीन के लगवाने के तुरंत बाद ही वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली। और अब इसके लिए सऊदी सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है कि जो लोग भी वैक्सीन को लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा दी जाए। इसके अलावा सऊदी ने भी वैक्सीन लगाने की स्पीड 3 गुना तेज कर दी है। अब बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कैसे जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैक्सीन इस समय सबसे पहले सऊदी में रहने वाले लोगों को लगाई जा रही है। एक बार जैसे ही ये वैक्सीन सऊदी में रहने वाले लोगों को लग जाती है, उसके बाद सऊदी सरकार इस वैक्सीन को एयरपोर्ट पर भी चालू कर देगी, यानी कि जितने भी लोग दूसरे देशों से सऊदी में आना चाहते हैं, उन सभी लोगों को सबसे पहले वैक्सीन खुद के ऊपर लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही वे सऊदी में एंट्री कर सकेंगे। यदि सऊदी सरकार इस तरीके का नियम लेकर आ जाती है, तो आप समझ जाइए कि उसके बाद सऊदी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी काम है कि सऊदी में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, जो कि अब मुमकिन नज़र आता लग रहा है। इसके अलावा सऊदी में कोरोना के केसेस भी एक अहम कारण है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए, और कोरोना के केसेस भी सऊदी में अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अभी देखना ये रहता है कि सऊदी सरकार अगले 1 से 2 दिन में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर क्या डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि अगले 1 से 2 दिन में सऊदी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आती है हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे।